सारे भाई ने राम राम। भाई मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। और भाई इस टाइम मैं चंडीगढ़ हाईवे पे था, अर्थात चंडीगढ़ जान लग रहा था। तो रास्ते में भाई मोटरसाइकिल पे सुटम सुट हो रहे या बिटिया है पेपर देने जान लग रही है। एक तरफ तो मनोहर सरकार की जब बात करा भाई या भारतीय जनता पार्टी की बात करा, एक नारा दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और भाई एक रूल बनाया था भाई जो एग्जाम है, एग्जाम का जो सेंटर है वो बिल्कुल नज़दीक में दिया जाएगा ताकि एग्जाम देने वाले बालकों ने किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन भाई ये बेटी देखो ये मतलब नहीं है। क्या टाइम हो गया बेटे, टाइम कितना हो गया? 11 बज गया। और पेपर कितने बजे का है? 2:30 बजे का है सर। और कहाँ से चले बेटे तुम? हिसार से चले हैं और कुरुक्षेत्र सेंटर दे रखा है। तो कितना किलोमीटर हो गया ये? लगभग 200-250 किलोमीटर। तो भाई ये रूल की धज्जी उड़ा रखी है, लगभग 200-250 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर दे रखे हैं। देखो इस दौरान बालक अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, सेंटर पर भाजन बाकी यानी के। तो बेटे किस तरह की परेशानी? कल भी था सर पेपर गन्नौर में और आज भी है पेपर सर। कल गन्नौर में फिर घर गए फिर आज फिर ऐसे। क्या नाम बेटे आपका? अनुरानी। अनुरानी तो किस चीज का एग्जाम देने के लिए जा रही? क्लर्क का, LDC का, HSSC LDC। तो भाई ये जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है इसके ऊपर पहले भी घने बड़े बड़े सवाल उठ लिए, जिस तरह भाई सब्जेक्ट नहीं बताते कितने का के आओगा, GK कितनी आओगी। और भाई मतलब इस तरह के सवाल तो उठे रहे थे। और इसके ऊपर जिस तरह गाइडलाइन आई थी भाई सेंटर जो है वो नज़दीक में दिया जाओगा, लेकिन तुम देख सको हो भाई बाइक के ऊपर इतनी दूर का सफर तय करना आसान काम को नहीं। और खास तौर पे बेटियों के लिए 1 बजे एग्जाम खत्म होगा तो फिर रात हो जाएगी, जाते जाते बहुत परेशानी होगी। अब ये देखो कल सुबह भी बहुत ज्यादा धुंध थी, बाइक नहीं चल रहा था, बहुत डर लग रहा था। और एग्जाम का मतलब एक ऐसे शेड्यूल तो होना चाहिए ना कि भाई लड़कियां हैं, लड़कियों को तो 50 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए एग्जाम, पर लड़कियों का भी बहुत दूर, कभी यमुनानगर भी आता है मेरा एग्जाम पास नहीं आता सर। जी आपका क्या नाम भाई? जी रामपाल जी। आप पिताजी इनके? हाँ जी। तो मतलब क्या कहना चाहोगे खट्टर सरकार को या हरियाणा प्रदेश सरकार को, क्या कहना चाहोगे भाई जो सेंटर जो इतनी दूर दूर दे रखे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जिले के अंदर होना चाहिए जी, 50 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए जी। सर अगर ना फैमिली में 2 लड़कियां हैं, पापा हैं और बड़ा भाई नहीं है, अगर एक लड़की का एग्जाम एक ही दिन हो, एक लड़की का महेंद्रगढ़ एग्जाम और एक का यमुनानगर, तो फिर वो लड़की तो रह जाएगी ना एग्जाम देने से। देखो भाई इस बिटिया ने कितनी शानी बात बताई है भाई, एग्जाम मान ले एक ही परिवार से अगर 2 बेटियों का एग्जाम है और भाई भी नहीं उसके, तो वो किस तरह से मैनेज करा जाओगा उस सिस्टम को, यानी बहुत बड़ी चुनौती है। या भाई प्रदेश सरकार तो हमारी फिर दरख्वास्त है, बार बार कह दें हम, इससे पहले भी हमने मुद्दा उठाया था, और भाई इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और जब गाइडलाइन आ ली और गाइडलाइन के बाद भी जब इस तरह की लापरवाही बरती जावे है तो भाई नारे यानी के धरे रह जे हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो केवल कागजों तक सिमटा दिखे है, जिस तरह ये समस्या हमने देखने में मिली। तो भाई इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि प्रदेश सरकार तक यह वीडियो पहुँचे और भाई इस तरफ ध्यान देवे और बेटियाँ की जो सुरक्षा है उसको और ज़्यादा मुस्तैदी से लागू कराया जा सके। तो भाई बने रहो संसार क्रांति का गिल्ला। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। जय हरियाणा। Dartmouth High School Scholarship Program is one of the most competitive and generous scholarship program in the nation. Going to the world famous Dartmouth International School, Germany to pursue my 11th and 12th classes under 2-year full scholarship program which costs 92 lakhs for foreign students, which will be completely waived off for Gwenkan students. Come and join GD Gwenkan Global School Hisar, the one and only school in India providing international platform to the students.